भारत की आबादी 125 करोड़ है और लगभग लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी UIDAI के पास है, जबकि आधार कार्ड UIDAI के पास लगभग 100 करोड़ से अधिक डाटा है। अब डाटा को सिक्योर करने की जिम्मेदारी भी UIDAI के पास है। तो UIDAI के द्वारा हमेशा आधार कार्ड में कुछ न कुछ अपडेट आते रहते हैं, जिससे वह अपने डाटा को सिक्योर रख सके। तो हम बताते हैं कि आधार कार्ड UIDAI के द्वारा आधार कार्ड में क्या अपडेट आई है। तो ऐसे ही एक अपडेट आई है जिसका नाम है मास्क आधार कार्ड। अब मास्क आधार कार्ड क्या होता है और इसकी क्या प्रोसेस है और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि UIDAI के द्वारा आधार कार्ड के अंदर जो अपडेट किया गया है नाम है मास्क आधार कार्ड। और मास्क आधार कार्ड जैसे आधार कार्ड के अंदर 12 अंकों का एक नंबर होता है, वैसे ही मास्क आधार कार्ड के अंदर भी 12 अंकों का नंबर होता है, केवल लास्ट का 4 नंबर ही डिस्प्ले होता है आपके आधार कार्ड पर। इसके बाद UIDAI के द्वारा बताया गया है कि मास्क आधार कार्ड कहीं पर भी हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है मास्क आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो मास्क आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए उसकी वेबसाइट UIDAI पर जाएंगे और वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप मास्क आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। UIDAI साइट पर जाने के बाद ई आधार डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक नई लिंक खुल जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे और डाउनलोड आधार लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, फिर OTP को सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद उसके बाद अपने नाम का आगे का 4 कैरेक्टर और अपनी डेट ऑफ बर्थ मतलब ईयर क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड